अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स का किस्सा बयान करने जा रहे हैं कि जिसे दरिंदा कहना भी दरअसल दरिंदों की तौहीन है। हमारा मौजू गुफ्तगु है रूस का पहला ज़ार आइवन द टेरिबल। ये इतना बेरहम और शफाक इंसान गुजरा है कि तारीख भी इसके नाम के साथ टेरिबल यानी खौफनाक का लफ्ज इस्तेमाल करती है। आइवन 1530 ईस्वी में पैदा हुआ। जब ये 3 साल का था तो इसका बाप यानी रूस का हुक्मरान वैसली III इंतकाल कर गया। आइवन के चचा ने इसे तख्त पर बिठाने की कोशिश की, मगर रूस के उमरा जिन्हें बोयर्स कहा जाता था की जानिब से इसे गिरफ्तार कर लिया गया और कैद खाने में भूखा मरने छोड़ दिया गया। आइवन की माँ ने मजाहमत की कोशिश की तो इसे भी जहर देकर मार दिया गया। अब जो भी शख्स आइवन के साथ हमदर्दी का इजहार करता सख्त तरीन सजाओं से नवाजा जाता। आइवन और इसका छोटा भाई यूरी जो कि गूंगा और बहरा था, दोनों ही अपने महल में भिखारियों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। ना इन्हें खाना मुयस्सर था और ना कपड़े, मारा पीटा अलग जाता। उस वक्त शियुस्की नामी अमीरजादे को तमाम तर इख्तियारात हासिल थे। वो दंदनाते हुए महल में घुसता, आइवन के वफादारों को पकड़ पकड़ कर आइवन के सामने जलाता, जिंदा लोगों की खाल उतार कर शहर के बीचों बीच लटका देता और आइवन को भी खूब जदो कोप करता। यही वो शख्स था कि जिसने आइवन को एक दरिंदा बनाने में अहम किरदार अदा किया। आइवन अपना गुस्सा मासूम जानवरों पर निकालता, परिंदों के पर नोच दिया करता और इनकी आंखें फोड़ दिया करता। 1543 ईस्वी जब आइवन 13 साल का हुआ तो तमाम अवाम इसके साथ हो गई और इसके हुक्म पर शियोस्की को गिरफ्तार कर लिया गया और एक घड़े में कुछ भूखे कुत्तों के साथ फेंक दिया गया। शियोस्की तो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन अपने पीछे खुद से ज्यादा भयानक एक दरिंदा खून आशामी के लिए छोड़ गया। आइवन के पागलपन का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो किले की दीवार पर चढ़कर कुत्ते और बिल्लियों को नीचे फेंकता और इन्हें तड़प तड़प कर मरता देखकर खुश होता। आइवन और इसका गिरोह शराब पीकर मास्को की गलियों में फिरते, बूढ़े और कमजोर लोगों को मारते पीटते। कोई औरत नजर आती तो सरेआम इसका रेप किया जाता। वो अक्सर रेप करने के बाद औरतों को बरहना हालत में फांसी दे दिया करता, कभी जिंदा दफन करवा देता और कभी रीच के आगे डाल दिया करता। वो एक बेहतरीन घुड़सवार था जिसे शिकार का जुनून की हद तक शौक था, मगर इसका ये शौक सिर्फ जानवरों पर पूरा ना होता बल्कि वो आम लोगों और किसानों को मारकर भी बहुत खुश होता। 1547 ईस्वी में इसे पूरे रशिया का पहला ज़ार मुंतखब किया गया। इस ताजपोशी के साथ ही आइवन की शादी रशिया की सबसे खूबसूरत लड़की अनास्तासिया रोमानोवा से हुई। ये इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। अनास्तासिया से आइवन को 6 बच्चे हुए जिसमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बच सके। अपनी ताजपोशी और शादी के बाद आइवन ने कई हकूमती इस्तिलाहात नाफिस की, करप्शन का खात्मा करने के साथ साथ उमरा के असरो रसूख को कम किया। उसने चर्च पर भी कवायद लागू किए, फौज को मजीद ताकतवर बनाया। इसके अलावा काजान की रियासत और अस्तराखान नामी शहर की फतुहात भी आइवन का एक शानदार कारनामा है। लेकिन आइवन के बेटे डोमिट्री की हादसाती मौत और फिर 1560 ईस्वी में इसकी बीवी अनास्तासिया की तबई मौत ने इसके अंदर का जानवर एक मर्तबा फिर जिंदा कर दिया। अब वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में रहने लगा। भरे दरबार में कभी दीवारों और कभी फर्नीचर पर टकरे रसीद किया करता। आइवन ने अपने अक्सर उमरा अपनी बीवी को जहर देने के इल्जाम में तशद्दुद कर कर के कत्ल करवा दिए। यहाँ तक कि इसके अपने मुखलिस दरबारी और दोस्त भी इसके गुस्से से ना बच सके।
अब इसने करप्शन और अकरबा परवरी के खात्मे के नाम पर ऑपरी चिंकी नामी एक खुफिया पुलिस तरतीब दी, जिसमें मुल्क भर के बदमाश और डाकू भर्ती किए गए। ये पुलिस काले लिबास में मलबूस और काले घोड़े पर सवार खौफ की एक अलामत बन गई। अच्छे और बुरे की तमीज के बगैर किसी भी इंसान को कत्ल कर देना इनके फराइज में शामिल था। यहाँ तक कि भरे चर्च में पादरियों तक को जला डालते। रियासत की कोई औरत इनके हाथ से महफूज ना थी। कभी कभी आयवेन लोहे की एक छड़ी हाथ में लिए खुद इनकी कयादत करता और अपनी छड़ी के जरिए लोगों की खूब पिटाई किया करता। किसान औरतों को बरहना करके इन्हें इस छड़ी से जदोकोप करना इसका एक मामूल था। रियासत भर से भिखारियों को जमा करके दरिया में फिकवा देता, उमरा को बारूद के ढेर पर बिठाकर जला देता। जेरोम हार्सी लिखते हैं कि आयवन ने रूस के एक अमीर प्रिंस बोरिस तेलुपा को जिंदा इम्पेल करवा दिया था, जिसके बाद वो 15 घंटे मजीद जिंदा रहा। आयवन ने इसकी मां को मजबूर किया कि वो इसकी मौत का मुकम्मल नजारा करे। बाद में इसकी मां को भी भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। आयवन ने एक मर्तबा अपनी खजांची यानी फाइनेंस मिनिस्टर निकिता फनीकोफ को किसी छोटी सी गलती पर एक देग में डालकर उबाल दिया था। अपने एक काउंसलर का भी इसने यही हशर किया। 1570 ईस्वी में गद्दारी के गैर साबित शुदा इल्जाम पर आयवन ने नोवगोरोड नामी शहर को इम्पेलिंग और रोस्टिंग के जरिए कत्ल कर डाला। एक जर्मन मौर्रेख लिखता है कि आयवन अपने घोड़े पर चढ़कर नेजा हाथ में लहराता और फिर निहत्ते आवाम पर सिर्फ इसलिए हमला आवर होता क्योंकि इसका बेटा इस मंजर को देखकर तालियां बजाता था। नोवगोरोड के बिशप को पहले रीच की खाल में सिया गया, बाद में इसे भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। लातादाद लोग भागने की गर्ज से दरियाए वोकोव में डूबकर जा बहक हुए। लाशों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि दरिया एक सैलाब का सा मंजर पेश करता था। इस तबाही के बाद ये शहर फिर कभी पहले जैसी शानो शौकत हासिल ना कर सका। इसके अलावा पास्कव सिटी का भी आयवन के हाथों यही हशर हुआ। इस कत्लो गारत गरी के 2 साल बाद रूस में एक शदीद किस्म की वबा फूटी, जबकि अगले साल क्रीमिया के खान ने सल्तनत उस्मानिया की मदद से मॉस्को पर चढ़ाई कर दी और आयवन को यहां से फरार होना पड़ा। अब कुछ बात करते हैं इसकी जाती जिंदगी की। आयवन ने 1561 ईस्वी में मारिया नामी एक लड़की से दूसरी शादी की, जिससे वो जल्द ही बोर हो गया और 2 साल बाद ही वो मर गई। तीसरी शादी मार्था नामी खातून से की, लेकिन वो बेचारी सिर्फ 2 ही हफ्ते जिंदा रह सकी। चौथी शादी ऐना नामी लड़की से की गई, जिसे जल्द ही एक खानकाह में राहबाना जिंदगी गुजारने भेज दिया गया। जल्द ही पांचवी और फिर 6ठी शादी वैसलीसा नामी खातून से कर डाली। बदकिस्मती से वैसलीसा का एक आशिक भी था, जिसे आयवन ने वैसलीसा की खिड़की के बाहर इम्पेल करवा दिया और इसे भी राहबाना जिंदगी गुजारने एक खानकाह में भेज दिया गया। अब आयवन ने 7वीं शादी मारिया नामी खातून से की। शादी के बाद आयवन को पता चला कि मारिया कवारी नहीं है, सो अगले ही दिन इसे दरिया में फेंक दिया गया। इसके बाद आयवन की आखिरी शादी 1581 ईस्वी में हुई। आयवन अपने बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्तबा आयवन की बहू हामला थी और इसे अपनी बहू का पहना हुआ लिबास पसंद नहीं आया, सो उसने अपनी छड़ी से इसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी बहू का मिसकैरेज हो गया। ये बात आयवन और इसके बेटे में इख्तलाफ का बाइस बनी, यहाँ तक कि आयवन ने खुद ही अपने बेटे को मार डाला। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में आयवन की हालत बहुत इबरतनाक हो गई थी। इसका सारा जिस्म सुकड़ चुका था,
सर गंजा और दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। वो अपनी उम्र से कहीं बड़ा नजर आता था। हजारों औरतों की असमत दरी और मासूम बच्चों के कत्ले आम के बाद 18 मार्च 1584 ईस्वी की एक शाम, जब वो अपने एक रफीक के साथ शतरंज खेलने में मसरूफ था कि इसके सीने में अचानक दर्द उठा और ये चंद ही लम्हों में ढेर हो गया। इसके दौरे हुकूमत में रूस का कोई इज्जतदार खानदान ऐसा ना था कि जो इसके आताब से महफूज रहा हो, बल्कि आइवन ने रूस के कुछ खानदान तो सफाए हस्ती से ही मिटा दिए। इसके मरने के बाद इसका जहनी माजूर बेटा फ्यूडर तख्त नशीन हुआ। इसके सियाह कारनामे आप हमारी अगली किसी वीडियो में सुन सकेंगे। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना? और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे अरे, डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।